नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस सेक्शन में हम लोग मॉर्फोलॉजी से अभी तक निट और AIPMT में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, कोकोनट फ्रूट इज ए। इसने पूछा है कि कोकोनट किस तरह का फ्रूट है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन निश्चित रूप से गलत हैं। जैसे बेरी, बेरी आप जानते ही हैं कि बेरी ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें कई सीड्स सीड्स जैसे टमाटर होता है, अमरूद होता है, ये क्या है, बेरी है। नट का एग्जांपल आप जानते हैं, कैश्यू नट है, ट्रापा सिंघाड़ा जिसे कहते हैं, और कैप्सूल, कैप्सूल का एग्जाम्पल मालवेसी फैमिली का आता है, जैसे भिंडी हो गया, गोसाइपियम हो गया, काटन जिसको बोलते हैं, और ड्रूप, ड्रूप का देखिए एग्जाम्पल जो है वह मैंगो भी है और कोकोनट भी है, बैर भी है, जिजिपस जिसको कहते हैं, एलमंड भी है। ठीक है, ड्रूप का मतलब ऐसा होता है कि ड्रूप ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक सीड पाया जाता है और उसका पेरिकार्प जो होता है वो एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प में क्लियरली डिस्टिंक्ट होता है। पहला तो ये इसका आंसर हो गया ड्रूप। दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि कोकोनट का जो एडिबल पार्ट होता है, मतलब खाने वाला भाग जो होता है, वो इंडोस्पर्म होता है, सीड और इंडोस्पर्म। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, इन बोगनवेलिया थॉर्न इज मॉडिफिकेशन ऑफ, मतलब बोगनवेलिया में थॉर्न किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है। आप जानते हैं कि थॉर्न, आपने स्पाइन पढ़ा था, जब स्पाइन दो तरह के होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्पाइन जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं थॉर्न और एक को बोलते हैं स्प्रिकल्स। ठीक है, स्प्रिकल्स, तो स्प्रिकल्स जो होता है वो, और जो स्पाइन थॉर्न जो होता है, इन दोनों के स्ट्रक्चरल, या आप कह सकते हैं कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफर होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये आप जान जाइए, आपको ये डिटेल में अगर देख जानना है तो मेरा वीडियो देखेगा, इसके पहले वाला वीडियो, मैं आई बटन पे इसको उस वीडियो को ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि बोगनवेलिया जो होता है उसका जो मॉडिफिकेशन, उसका जो थॉर्न जो होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, एडवेंटिशियस फूड का हो नहीं सकता है, ठीक है, और लीफ का होगा नहीं। लीफ का किस में होता है मॉडिफिकेशन, स्पाइन जी अपनसिया में, और स्टिपुल का जिजिफस में, बैग जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, स्टेम, स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इच, अभी देखिए मैंने डिस्कस किया था कि कोकोनट का एडिबल पार्ट मतलब खाने योग्य भाग कौन सा होता है। कॉटिलेडन नहीं होगा, ठीक है, पेरिकार्प खा नहीं सकते हैं, पेरिकार्प ऊपर का भाग होता है, जो डोव, देखा डोव जो सीख डाल के हम लोग नारियल पानी पीते हैं ना, तो जो ऊपर ऊपर वाला भाग होता है ग्रीन कलर का, उसको डोव कहते हैं। ठीक है, तो पेरिस्पर्म वही ऊपर वाला भाग जो होता है उसको पेरिकार्प कहा जाता है, और पेरिस्पर्म होगा नहीं। पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म जो होता है रिमिनेंट पार्ट ऑफ द न्यूसिलस, जो न्यूसिलस होता है उसका बचा हुआ भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं, तो इसमें बचा क्या, इंडोस्पर्म, तो इंडोस्पर्म सही आंसर होगा। ठीक है, कि जो कोकोनट का जो एडिबल पार्ट होता है वो इंडोस्पर्म होता है। अब देखिए, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, फ्री सेंट्रल फैले जहाँ जी होता क्या है, फ्री सेंट्रल में क्या होता है कि यूनिलॉकुलर कार्पल होता है, ठीक है, बीच में एक्सिस होता है, इसमें सेफ्टा नहीं पाए जाते हैं, और इस तरह से ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस से लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको हम फ्री सेंट्रल कहते हैं, तो फ्री सेंट्रल का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डाइएंथस। ठीक है, अब देखिए बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं, ऑर्जिमॉन और ब्रेसिका,
इन दोनों में जो प्रेजेंटेशन होता है वो पेराइटल होता है, पेराइटल। ठीक है, किसमें? आर्जुमान और ब्रेसिका में। आपको फार्मूला याद होगा, कू कूपा, क्रू कूपा। ठीक है, तो क्रूस हो गया क्रूसीफेरी जिसका ब्रेसिका है, पास हो गया पापावेरेसी जिसका आर्जुमान है, भटकैया। ठीक है, इसी का पापावर सोमनीफेरम भी है जिससे अफीम निकाला जाता है। और साइट्रस जो था ये किसका है? रूटेसी फैमिली का। इसमें एग्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। आपको फार्मूला याद होगा एग्जाइल प्लेसेंटेशन का, सोमाली रू। ठीक है, सो से सोलनेसी, मा से मालवेसी, ली से लिलियसी, रू से रूटेसी। रूटेसी का ही साइट्रस है। ठीक है, विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन। अब इनमें से कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर है, फ्लैटन स्ट्रक्चर ऑफ वंशिया है, ठीक है, फेलोक्लेट। अब देखिए, पिचर ऑफ नेपेंथिस, जो पिचर, जो घटपौरे इसको बोलते हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसमें जो इसका पिचर होता है, पिचर मतलब इसको एक स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और ये लीफ से बनता है, लीफ के मॉडिफिकेशन से बनता है, और इसी में जो इंसेक्ट होते हैं वो आके इसी में गिर जाते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, इनसे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है नेपेंथिस वो नाइट्रोजन ऑब्टेन करता है। तो यहाँ पे देखिए दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। नेपेंथिस जो होता है, नेपेंथिस खासियाना, ये एक इंडेमिक प्लांट है। इंडेमिक प्लांट का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ भारत में मिलता है, और भारत में कहाँ? खासी पर्वत पे, इसीलिए इसका नाम है नेपेंथिस खासियाना। दूसरी बात ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब होता है कि जो कि कीड़ों को ट्रैप करके खाते हैं। क्यों खाते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, अब तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? पिचर ऑफ नेपेंथिस, क्योंकि पिचर ऑफ नेपेंथिस में जो पिचर होता है वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। किसका मॉडिफिकेशन था? लीफ का मॉडिफिकेशन था, जबकि बाकी में चाहे थॉर्न ऑफ साइट्रस हो, चाहे फ्लैटन स्ट्रक्चर ऑफ पंसिया हो, या टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर हो, यहाँ पर ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलियोनेसी करोला इज आल्सो कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा है कि स्टैंडर्ड पेप को क्या कहते हैं? जी हाँ, वैक्सीलम कहते हैं। ठीक है, याद है ना, इस तरह से एक स्टैंडर्ड होता था सबसे बड़ा, उसके बाद दो जो होते थे विंग होते थे, और सबसे छोटा वाला क्या होता था? जी, कील। ठीक है, ये सबसे बड़ा वाला स्टैंडर्ड होता था, ये विंग होता था, और ये कील होता था। इस स्टैंडर्ड को भी क्या कहते थे? वैक्सीलम। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द व्हीट ग्रेन हैज़ ए एम्ब्रियो विच वन लार्ज सील्ड शेप कॉटिलेडन। सील्ड शेप कॉटिलेडन क्या कहते हैं? जी हाँ, कोली स्कूटलम, स्कूटलम कहा जाता है। मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सील्ड सेफ कॉटिलेडन क्या कहा जाता है? स्कूटलम। मोनोकाट का है, ठीक है, कोलियोप्टाइल कहेंगे नहीं, कोलियोराजा कहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो कवरिंग होती है। कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल के ऊपर कवरिंग होती है, कोलियोराजा रेडिकल के ऊपर कवरिंग होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कूटलम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैक्सीलम। ठीक है, अब यहाँ पेपस क्या होता है बताएंगे? पेपस, जी हाँ, पेपस जो होता है हेयरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि एस्टरेसी फैमिली में पाया जाता है और फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। किसका पेपस मॉडिफिकेशन होता है? जी हाँ, सेपल का मॉडिफिकेशन होता है, सेपल का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ ये देख लेते हैं कि देखिए ये सील सेप स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक, इसी को स्कूटलम कहा जाता है। ये देखिए कोलियोप्टाइल है जो कवरिंग है प्लूमिल के ऊपर, और ये रेड कोलियोराजा है जो रेडिकल के ऊपर कवरिंग है।
ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर रेडिकल, ये एलिरोम लेयर होता है, कोटिनेशियस लेयर, ठीक है। परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज, क्या कहते हैं? जी हाँ, पेग स्पर्म कहते हैं, ठीक। हाइलम क्या होता है? ये स्केयर होता है, जो बचा हुआ रिमेनेंट पार्ट होता है, जो सीट के ऊपर ऐसे अपनी निशान देखते हैं, जहाँ पर कभी फ्यूनिकल्स लगा था जो कि इसको फूड के साथ अटैच करता था, इसी को हाइलम कहते हैं। सीड वाले मेरे जो से वीडियो है उसमें देखिए, बहुत डिटेल में बताया मैंने उसके बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेग स्पर्म, ठीक। टेगमेंट क्या होता है? टेगमेंट टेस्टा और टेगमेंट, आउटर लेयर ऑफ द सीड इज कॉल्ड टेस्टा और इनर लेयर ऑफ द सीड इज कॉल्ड, सीड कोटी इज कॉल्ड टेगमेंट। लीफ बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन, बहुत आसान क्वेश्चन है। अनियन में तो स्पाइन होता ही नहीं है, सिल्क में, सिल्क कॉटन में होता नहीं है, अपनसिया में होता है, ठीक है। यहाँ पर लीफ जो होता है स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाता है, और पूरा स्टेम जो होता है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है, जिसको कि हम फिलोक्लेड कहते हैं, फिलोक्लेड, ठीक है, फिलोक्लेड कहते हैं। और स्पाइन में क्यों मॉडिफाइड हो जाता है इसका लीफ? ताकि पानी बचा सके, क्योंकि ये डिजर्ट एरिया में ज़्यादातर उगता है, जियोफिटिक नेचर होता है इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अपनसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन, प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों खाया जाता है, बताएं किसमें? प्लेसेंटा भी खाया जाता है और पेरिकार्प भी खाया जाता है, टोमेटो, ठीक है। टोमेटो में प्लेसेंटा भी खाया जाता है और पेरिकार्प भी खाया जाता है। आपने टोमेटो का स्ट्रक्चर देखा होगा, टोमेटो का स्ट्रक्चर देखिए ऐसे होता है, ये टोमेटो को मैंने काट दिया तो अंदर आपको, ये तो आपका पेरिकार्प हो गया, अंदर आपको इस तरह से एक्सिस दिखाई देगा ऐसे, इस पर सीड लगे होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया प्लेसेंटा, ठीक, ये हो गया पेरिकार्प। तो किसमें इसको खाएंगे दोनों? पुका पुका टमाटर खाते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा टोमेटो, ठीक है। एक चीज़ और, स्टोलेट जिसमें भी बहुत ढेर सारे सीड होते हैं, ऐसे फूड को हम बेरी कहते हैं, ठीक है। बेरी का एग्जांपल टमाटर है, बैगन है, अमरूद है, ठीक है। अब आप यहाँ सवाल पूछ सकते हैं कि एप्पल क्यों नहीं हुआ? एप्पल में हम क्या खाते हैं? थैलमस खाते हैं, प्लेसेंटा नहीं खाते, थैलमस खाते हैं। पोटैटो में क्या खाते हैं? पोटैटो में तो हम उसका ट्यूबर खाते हैं ना, अंडरग्राउंड स्टेम होता है पोटैटो में, ठीक है, ठीक। बनाना में पेरिकार्प खाते नहीं, छिलका खाते हैं आप, पेरिकार्प खटा देते हैं ना, इसलिए ये भी नहीं हुआ। तो बस यही आंसर सही होगा, टोमेटो, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, बताइए, अंडरग्राउंड स्टेम एडिबल क्या होगा? अभी मैंने डिस्कस किया था पोटैटो, ट्यूबर होता है ना, ट्यूबर भी इसको कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। अब आप सवाल करेंगे कि कैरेट क्यों नहीं होता? कैरेट तो रूट होता है, ये रूट होता है, ये स्वीट पोटैटो भी रूट होता है, ग्राउंड नट क्या होता है? ये तो फ्रूट होता है, ठीक है, सब अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन स्टेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमंग बीटर गॉल्ट मस्टर्ड ब्रिंजल पम्पकिन चाइना रोज ल्यूपिन कुकुम्बर सन हैम ग्राम गुआवा बीन चिली प्लम पिटूनिया टोमेटो रोज बिथोनिया पोटैटो अनियन एलॉय ट्यूलिप हाउ मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर। देखिए ऐसे फ्लावर, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको करना क्या होता है कि पहले ये देख लीजिए कि इसमें इपीगाइनस फ्लावर कौन सा हो गया। तो पहले हाइपोगाइनस समझ लीजिए, हाइपोगाइनस होता क्या है? हाइपोगाइनस का मतलब गाइनीशियम के नीचे से, जैसे मान लीजिए गाइनीशियम है, ये ओवरी हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ठीक है, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, ये पूरा गाइनीशियम हो गया, ठीक है। जब इसके नीचे से सेपल और पेटल निकलता हो, ठीक है,
तो इसको हम हाइपोगाइनस कहते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कितने हाइपोगाइनस हैं, और टोटल इसमें 21 प्लांट का नाम दिया गया है। तो हाइपोगाइनस और इपीगाइनस भी समझ लीजिए। इपीगाइनस क्या होता है? देखिए, इपीगाइनस का मतलब होता है कि जब गाइनिशियम के ऊपर से सब कुछ निकले, जैसे मान लीजिए ओवरी हो गया, यहाँ से सेफल निकल गया, ऐसे पेटल निकल गया, ऐसे ऐसे निकल गया, ओवरी जो होता है नीचे की तरफ हो, तो ऐसे प्लांट को हम इपीगाइनस कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इपीगाइनस छाँट लेंगे। टोटल 21 प्लांट है, 21 में से हम इपीगाइनस छाँट लेंगे। देखिए, बीटल गॉल ये भी इपीगाइनस है, करेले को कहते हैं, ठीक। पम्पकिन कुकुरबिटेसी का है, ये भी इपीगाइनस है, ठीक है। लौकी को कहते हैं। कुकुम्बर खीरा, ये भी इपीगाइनस है क्योंकि कुकुरबिटेसी का है। प्लम प्लम आड़ू रोजेसी फैमिली का है, ये भी इपीगाइनस है। रोज़, ये भी इपीगाइनस है, ठीक है। ग्वावा, ये भी इपीगाइनस है। यानी टोटल 21 में से 6 ऐसे प्लांट हैं जो कि इपीगाइनस है। यानी बचे कितने? 15। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 ऐसे प्लांट होंगे जो कि हाइपोगाइनस होंगे, ठीक है। देखिए, इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं सब एनसीईआरटी के नाम हैं, घबराने की एकदम जरूरत नहीं है, सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी प्लांट्स एमंग द चाइना रोज, ऑसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एल्स्टोनिया, गुआवा, केलाट्रॉपिस एंड नीरियम हैव अपोजिट फेलोटैक्सी। देखिए, इसमें पूछा है कि अपोजिट फेलोटैक्सी किस में होती है। देखिए, इसमें सिर्फ ऑसिमम, एस्टोनिया ऑसमम, कैलाट्रोपिस और ग्वावा, ये तीन प्लांट ऐसे हैं जिसमें कि अपोजिट फेलोटैक्सी पाई जाती है। पहला ऑसमम, दूसरा ग्वावा और तीसरा कैलाट्रोपिस, ठीक है। आप चाहें तो ये एकदम एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बस ऑसमम और एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है, बाकी ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप देखना चाहें तो ये देखिए, देखिए अपोजिट टाइप पेयर्स लीव्स एराइजेस ईच नोड एंड अपोजिट इजर। पहला दिया है आंसर और एग्जाम्पल कैलाट्रोपिस और ग्वावा प्लांट, ठीक है। एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन ईच, मेरा फार्मूला याद है ना? सोमाली रू, ये एग्जाइल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है। तो टोमेटो सोलेनेसी का हो गया और लेमन गुटेसी का हो गया, टोमेटो सोलेनेसी का और लेमन गुटेसी का, तो किसमें होता है? एग्जाइल प्लेसेंटेशन। एग्जाइल प्लेसेंटेशन जानते हैं ना क्या होता है? एग्जाइल प्लेसेंटेशन का मतलब ये होता है कि सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल लगे रहते हैं और पूरा जो गाइनिशियम होता है, कार्पल जो होता है, कई लॉक्यूल में बटा होता है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस किस में होता है? देखिए, इसका आंसर होगा सोलेनम, ठीक है। फेलोक्लेड इज प्रेजेंट इन, फेलोक्लेड किस में होता है? फेलोड, फेलोड का मतलब होता है कि लीफ इज पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू लीफी स्ट्रक्चर। पेटियोल जो होता है वो लीफी स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड कर जाता है। ये वीडियो आप देखिए, मैंने बताया है इस तरह से हो जाता है, ये पेटियोल स्वेलन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और लीफ छोटी सी इस तरह से हो जाती है, ठीक है। ये पेटियोल है, ठीक, इसको हम फेलोड कहते हैं। तो ये किस में होता है?
ऑस्ट्रेलियन ओकेसिया में, इसको ऑस्ट्रेलियन बबूल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्लेडोड किस में होता है? क्लेडोड का एग्जाम्पल हो जाएगा एस्परेगस, ठीक है, क्लेडोड का एग्जाम्पल एस्परेगस हो जाएगा। और फिल्लोक्लेट का एग्जाम्पल अपनसिया हो जाएगा, याद रखिएगा, फिल्लोक्लेट का एग्जाम्पल अपनसिया, क्लेडोड का एग्जाम्पल एस्परेगस, इसको सतावर भी कहते हैं, और फिल्लोड का एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ठीक है। यूफोबिया में भी फिल्लोक्लेट पाए जाते हैं। अब आ जाइए, द गायनीशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल इन द फ्लावर ऑफ, फ्री पिस्टिल मतलब एपोकार्पस पाया जाता है, किसमें? सिंपल माइकेलिया में, बाकी सब में सिंगल, ठीक है, माइकेलिया चंपा का, चंपा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना रोज द फ्लावर आर, चाइना रोज में फ्लावर कैसा होता है? पहली बात तो चाइना रोज का फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है, तो यानी कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ये सब दोनों गलत हो गए हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब किसी भी एक्सिस से काटेंगे तो फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दूसरा हाइपोगाइनस होता है, यानी एक्टिनोमॉर्फिक भी होता है, हाइपोगाइनस भी होता है, इपिगाइनस होता नहीं है। और ट्विस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी चाइना रोज का फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हाइपोगाइनस होता है, विथ ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। इसमें देख लेते हैं, हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव कंपोजिट फूड्स दैट डेवलप फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस। अब इनमें से कौन कौन से प्लांट जो होते हैं कंपोजिट फूड से डेवलप होते हैं? देखिए बहुत आसान है, वालनट होगा नहीं, पॉपी होगा नहीं, पॉपी कैप्सूल होता है, रेडिस होगा नहीं, रेडिस भी नहीं होगा क्योंकि ये सिलिकुआ होता है, फिग, जी फिग जो है ये साइकोनस है, सिरोसिस और साइकोनस बताया था ना, और पाइनएप्पल भी सिरोसिस है, और मलबेरी भी सिरोसिस है, यानी तीन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीन, ठीक, पाइनएप्पल और मलबेरी दोनों सिरोसिस हैं और फिग साइकोनस है, फिग साइकोनस है और बाकी दोनों सिरोसिस, ठीक है, यानी कि पाइनएप्पल और मलबेरी ये सिरोसिस है और फिग साइकोनस है, यानी तीन ही ऐसे हैं जो कि कंपोजिट होते हैं, कंपोजिट फूड होते हैं, यानी से डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज इक्विवेलेंट टू, सिंपल सा है, एंडोस्पर्म, अभी आप लोगों ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द प्लेस ऑफ द डायंथस, डायंथस में सुपरफिशियल सॉरी फ्री एग्जाइल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, तो फ्री एग्जाइल का कौन सा हो गया? फ्री सेंट्रल, ठीक, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक, फ्री सेंट्रल, यानी कि आंसर बी। कील इज द करेक्ट ऑफ द फ्लावर, कील क्या होता है जानते हैं ना, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, गुलमोहर, कैसिया, बीन, इसमें सही आंसर होगा बीन, बीन में कील पाया जाता है, ठीक है, फेबेसी फैमिली, बीन फेबेसी फैमिली का है। देखिए अभी हमने बताया था स्टैंड अप होता है, दो विंग होते हैं और बीच में इससे बीन होता है, कील होता है, ठीक है, तो इसका एग्जांपल बीन हो गया फेबेसी फैमिली का। नेक्स्ट, ओवरी इज हाफ इंफिनिटी इन द फ्लावर ऑफ, सिंपल है, प्लम, ठीक, रोजेसी फैमिली का है। कोकुम्बर में एपिगाइनस होता है, ब्रिंजल में हाइपोगाइनस होता है, गुआवा में भी एपिगाइनस होता है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लम, ठीक है। द टेक्निकल टर्म यूज द एंड्रूसियम इन द फ्लावर चाइना रोज, मोनोडेल्फस, ठीक, क्यों मोनोडेल्फस कहते हैं? मोनोडेल्फस में क्या होता है कि सारे स्टेमन्स एक साथ फ्यूज हो जाते हैं इस तरह से, और जो एंथर होता है वो फ्री होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, तो एक ग्रुप में फ्यूज होते हैं, सिंगल ग्रुप में होते हैं, इसलिए उसको मोनो ग्रुप में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डाईडेल्फस। और कई ग्रुप में होते हैं तो उसको पॉलीडेल्फस बोलते हैं। डाईडेल्फस का एग्जाम्पल 9+1 फेबेसी फैमिली, पॉलीडेल्फस का एग्जाम्पल रूटेसी फैमिली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोनोडेल्फस, चाइना रोज का मोनोडेल्फस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सपुलेंट ऑब्जर्व सॉरी स्कूटलम ऑब्जर्व इन द ग्रेन ऑफ वीट मेज, किसमें देखा जाता है स्कूटलम, ठीक है,
comparable to which part of the seed in other monocotyledons? सिंपल सा एंजियम बोले कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स का ये वो होता है, स्कूटलम कॉटिलेडन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोयाबीन इज, सोयाबीन का फार्मूला होगा ये, देखिए यहाँ पे ये चीज़ देखना है, कैलेक्स 5 होता है। सबसे पहली चीज़ देखिए कि फ्लावर जो होता है सोयाबीन का, जो कि फेबेसी फैमिली का है, जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलेक्स 5 होते हैं, 1+2+2 का स्ट्रक्चर होता है। 1 मतलब स्टैंडर्ड हो गया, इस तरह से दो विंग्स हो गए हैं और दो कील जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, देखिए कील को दोनों को जोड़ के बताया गया है। 9+1 अरेंजमेंट होता है और यूनिलॉकुलर होता है, यानी कि ये वाला सही होगा, फेबेसी फैमिली। ठीक, फूड डेवलप फ्रॉम द हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, साइकोनस, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाइल प्लेसेंटेशन, लेमन, ठीक है, गुटेसी फैमिली। एन एग्जाम्पल ऑफ सीड विथ द इंडोस्पर्म पेरिस्पर्म एंड कारंकल्स, कैस्टर, ठीक है, कैस्टर होता है, कैस्टर जिसमें कि पेरिस्पर्म भी पाया जाता है, इंडोस्पर्म भी पाया जाता है और कारंकल भी पाया जाता है। कारंकल वाइटिश स्ट्रक्चर होता है, हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। सीड देखिए, सीड वाला वीडियो देखिए प्लीज़ जाके। द फ्लेशी रिसेप्टिकल ऑफ द साइकोनस ऑफ द फिग इनक्लोज ए नंबर ऑफ यकीन्स, यकीन्स, ठीक है। इंडोस्पर्म इज कंज्यूम बाई डेवलपिंग एम्ब्रियोज सीड इज, हाँ, इंडोस्पर्म किस में कंज्यूम हो जाता है, पी में, ठीक है, इग्ज एल्बिनस कहते हैं, जबकि सब बाकी सब में इंडोस्पर्म रिमेन रहता है, बचा रहता है। इन विच आर द फॉलोइंग फूड्स द एडिबल पार्ट ऑफ द एरिल, एरिल इज द एरिल, क्या होगा, लीची, ठीक है। लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रेट प्रोड्यूस बाई इन द यंग ऑफ द कॉब मेज, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल्स, ठीक है, आपने देखा होगा, भुट्टा देखा ना, भुट्टा भी इस तरह से हेयर्स दिखते हैं ना, ये क्या होता है, स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्टाइल्स पाई जाती है कॉब इसमें, मेज में। एडिबल पार्ट ऑफ द मैंगो इज, मेजोकार्प, बाइकार्पेलिक गार्निशियम एंड ऑब्लिक कोबरी अकर इन द, ये ऑब्लिक कोबरी ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है किसका, सोलेनेसी का, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इस ब्रिंजल, ठीक है। बाइकार्पेलिक गार्निशियम होता है, ऑब्लिक कोबरी होती है। टेक्ट का डायग्नोस कंडीशन, क्रूसीफेरी, टेक्ट का डायग्नोस कंडीशन होता क्या है, जिसमें कि 6 स्टेमेंस होते हैं, 2 छोटे होते हैं और 4 जो होते हैं बड़े होते हैं, इसको टेक्ट का डायग्नोस कंडीशन कहते हैं, ठीक है, क्रूसीफेरी में पाया जाता है। इसी तरह से लिलियसी में कौन सा स्ट्रक्चर, सॉरी लेविएटी में, लेमिनेसी, तुलसी वाली फैमिली में डाई डायग्नोस कंडीशन पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रूसीफेरी, समझ में आ गया ना, टेक्ट का डायग्नोस क्या होता है, 6 स्टेमेंस होते हैं, 2 छोटे और 4 बड़े। इन विच आर द फॉलोइंग प्लांट संकेन स्टोमेटा आर फाउंड, नीरियम, नीरियम में संकेन स्टोमेटा पाया जाता है, क्योंकि ये जिगोफिटिक नेचर का होता है, जो भी प्लांट जिगोफिटिक नेचर को शो करते हैं उसमें स्टोमेटा संकेन होता है, धसा हुआ होता है। व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो, एक्सिलरी वर्ड्स, ठीक है, एक्सिलरी वर्ड्स होते हैं पोटैटो का। एडिबल पार्ट ऑफ द बनाना, ये होगा इसका मेसोकार्प एंड लेस डेवलप एंडोकार्प, ठीक है। बनाना आप देखा होगा, बनाना जब खाते हैं आप तो ये आप एपिकार्प तो छील के हटा देते हैं, छिलके को, बीच में काले रंग का छोटा भाग होता है जिसको हम इंडोकार्प कहते हैं, लेस डेवलप इंडोकार्प, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। हेयर फाउंड द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ जियामेस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया स्टाइल। जियोग्राफी फूड, जियोग्राफी फूड किसमें होता है, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे, यानी जमीन के नीचे पाए जाते हैं, ग्राउंड नट, ठीक है, बाकी का फूड नहीं होता है। रेडिश होता है, ये रूट होता है, कैरेट भी रूट होता है, टर्निप क्या होता है, टर्निप भी रूट होता है। विच प्लांट विल लॉस इकोनॉमी वैल्यू इफ द इट्स फूड आर प्रोड्यूस बाई इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, निश्चित रूप से अभी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, इसका आंसर होगा पोमग्रेनेट, ठीक है, हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, पोमग्रेनेट में सीडी खाते हैं फ्लेस्टा, अगर वही गायब हो जाएगा तो खाएंगे क्या। विच आर द फॉलोइंग इज द ट्रू फूड, ट्रू फूड कौन कौन से हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बनाना, ठीक है, बनाना ट्रू फूड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए प्लांट बियर फूड वायज कॉलम ऑफ वैस्कुलर टिश्यू एंड टैप रूट सिस्टम। दिस प्लांट इज फूड बियर कर रहा है तो निश्चित रूप से एंजियोस्पर्म होगा, और टैप रूट है तो निश्चित रूप से डाइकॉट होगा। यानी टैप रूट है और फूड बियर कर रहा है, ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म डाइकॉट हो जाएगा। ठीक, हाइपोटोडियम इज स्लाइस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। प्लीज़ इससे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट में दीजिए, कुछ और भी आप चाहते हो तो कृपया नीचे बताइए। धन्यवाद।